सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई अवेंटल लिमिटेड को लेकर। अवेंटल लिमिटेड एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पर जो कंपनी वो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है वो मैन्युफैक्चर करती है, जो बेसिकली आप लोग देखोगे भी डिफेंस, एरोस्पेस और जो ना भी वेरियस इंडस्ट्री में जो ना भी काम आते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं भी। कल के दिन कंपनी ने बोनस दिया था 2:1 रेशो में। अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपका वो एक शेयर लगभग दो उसके ऊपर और अतिरिक्त मिलकर टोटल 3 शेयरों में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए जो इसका प्राइस है वो भी 3 शेयरों में डिवाइड कर दिया गया था एक शेयर का भाव, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 351 रुपये थी और 351 से स्टॉक ओपन हुआ 117 के आसपास। फिर वहाँ से जो स्टॉक की सुबह ओपनिंग जो हुई है ना वो ज़बरदस्त हमें देखने को मिली है। कम से कम 5 से 6% की तेज़ी के साथ जो स्टॉक है वो ओपन हुआ 124 के आसपास और वहाँ से जो स्टॉक है फिर वो डाउन आया 120 के आसपास। फिर वहाँ से ना 120 के आसपास स्टॉक में अच्छी खासी रैली बनी और स्टॉक सीधा 10% के अपर सर्किट में हमें लॉक होते हुए नजर आया। तो ऐसे में बहुत सारे निवेशकों का मानना है क्या ये स्टॉक अब नॉन स्टॉप अप जाएगा, क्योंकि स्टॉक ने फ्रेश बाउंड भी खाए बनाए कल के दिन, ठीक है, एक न्यू बाउंड भी खाए बनाए हैं और उसी के चलते जो वॉल्यूम आई है 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख के करीब वॉल्यूम भी हमें आते हुए नजर आई है। तो देखो ये एक कंपनी तो अच्छी, इसमें कोई दराय नहीं है, फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा, वो मैंने हमारी कल की वीडियो में आपको बताया था जब इसके बोनस कंपनी ने देने से पहले जो गिरावट दिखाई ना उस गिरावट को लेकर मैंने वीडियो बनाया और वहाँ पर आपको जो इसका फंडामेंटल्स है वो सब कुछ आपको डिस्कस करके बताया था भी फंडामेंटली स्टॉक कैसा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने स्टॉक को होल्ड किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर रही बात शॉर्ट टर्म की तो स्टॉक नॉन स्टॉप जना भी भाग रहा है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग इसकी आ सकती है, ठीक है। और रही बात जो डिविडेंड वाले बोनस वाले जो स्टॉक्स हैं वो आपकी डीमैट अकाउंट में कब और कैसे आएंगे, वो 2 से 3 वीक का जो है ना मैक्सिमम टाइम लगता है भाई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वीक लगता है। उसके टाइम के दौरान जो स्टॉक है वो आपके डीमैट अकाउंट में जो कंपनी है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर देगी। अब यहाँ से इसके आगे के टारगेट्स को लेकर जो ना भी डिस्कस करते हैं। तो आपको जो ना भी देखो स्टॉक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा तो अच्छी बात है। आपको जो ना भी इसका नीचे में थोड़ा जो ना भी स्टॉप लॉस पकड़ के चलना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, आई थिंक बेस्ट रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो प्रॉफिट बुकिंग होने लग गई ना तो स्टॉक आज अगर 10% के सर्किट में गए हैं, अपर सर्किट स्टॉक ने लगाया ना, यूसी लगाया 10% का, तो ये जो ना भी 10% का एलसी भी लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि सेलर्स अगर हावी हुए तो स्टॉक में गिरावट बन सकती है। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्टॉक में पैसा लगा रहे हो या फिर बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो अगर फंडामेंटली अच्छी है, बिजनेस अच्छा है जिनका, उनके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जो स्मॉल कैप कंपनी है फिर मिड कैप कंपनी है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी भी आई थिंक 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक है। तो अगर इसकी 1000-2000 क्वांटिटी एज ए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करके चलना चाहो तो फंडामेंटली बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए, वहाँ पर कोई बदलाव या फिर जो अभी उतार चढ़ाव तो नहीं देखने को मिल रहा है। अगर उनके अंदर कमी हो तो बाहर मारो, अगर उनके अंदर कुछ इजाफा देखने को मिलता है बिजनेस के अंदर तो वहाँ से जो ना भी स्टॉक में एज ए लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर कल के दिन कंपनी ने बोनस दिया था, उसके बाद जो स्टॉक है वो सीधा अपर सर्किट में गया है। तो यहाँ से अगर अपर सर्किट वाले स्टॉक डीमेट अकाउंट में आते हैं तो जो बोनस वाले स्टॉक वो डीमेट अकाउंट में आते हैं तो पब्लिक प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना बेटर पसंद करेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना, स्टॉक का नीचे में 26 रुपये के आसपास का, 27 का 25 का जो आपको अच्छा लगे बेस्ट लगे वो स्टॉप लॉस पकड़ के आप लोग चल सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए। और अभी के टाइम आप लोग देखो जो इसका पीई रेशियो है ना भाई ये थोड़ा हाई हो चुका है, इसमें कोई दुराय नहीं है। उसके साथ साथ जो इसके आरएसआई एमएफआई है यहाँ पर देखोगे आरएसआई इसका 78.8 पर है, जो कि ओवरबॉट जोन में स्टॉक को दर्शा रहा है, ये भी एक इसके अंदर नेगेटिव संकेत है। तो थोड़ा संभल के चलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा करंट टाइम में, क्योंकि स्टॉक नॉन स्टॉप रिटर्न देते हुए नजर आया है और ये रिटर्न और आगे भी जा सकते हैं जिस प्रकार से स्टॉक में ये ब्रेकआउट हो रहे हैं ना भाई, इस हिसाब से स्टॉक ऊपर में 150-160 के लेवल आपको दिखा सकते हैं, बट नीचे में सपोर्ट पकड़ के चलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। आई होप आपके सारे डाउट जो ना भी स्टॉक को लेकर दूर हुए होंगे। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।